इतना आपको समझ में आ गया कि जन्म कुंडली के जो भी महादशांतर दशा चल रही है उसका जन्म कुंडली के मतलब जो जन्म कुंडली की जो क्या है द्वितीय भाव और ये 11वें भाव से संबंध हो और हाँ साथ में उनके भावे से संबंध हो जाए और दशम से हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्ति कार्य करने जा रहा है तो 10th हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दशा और दस उसी के साथ साथ दशा का संबंध इंदु लग्न के भी 2रे और 11वें भाव से हो तो व्यक्ति फिर के लिए कोई भी काम स्टार्ट करेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं दशमांश कुंडली को देखिए, मतलब यही दशाएं देखनी है। अगर दशमांश कुंडली में भी चलने वाली दशा का संबंध, क्या मैंने बोला दशमांश कुंडली यानी डीटेन चार्ट में चलने वाली दशा का संबंध लग्न भाव 2रे भाव 10वें भाव और 11वें भाव या उनके भावेश से हो जाए तो आप मान के चलिए कि वो व्यक्ति जो कार्य करने जा रहा है उसमें वो अच्छी तरह कार्य कर पाएगा, सफल हो पाएगा। फिर से गुरु जी, लग्न से और देखिए पहले आप जन्म कुंडली के जो भी उसके ऊपर महादशा अंतर दशा चल रही है, महादशा और अंतर दशा चल रही है, जी वह जन्म कुंडली के 10म भाव 2रे भाव और 11वें भाव से संबंध बनाए या उनके भावे से संबंध बनाए। और अगर उसी दशा का संबंध इंदु लग्न के 2रे और 11वें भाव से बन गया, इसके जी साथ साथ दशमांश कुंडली के लग्न या 2रे भाव या 10वें भाव या 11वें भाव से संबंध बन गया, तो ऐसी दशा जो जन्म कुंडली के उन भावों को इंदु लग्न के 2रे या 11वें भावों से या दशमांश में इनमें से किसी एक भाव से, किस कौन कौन से भाव, लग्न के भाव 2रे के भाव और 10वां भाव या 11वां भाव या उनके भावेश के साथ संबंध बना ले तो वो जो दशा चलेगी वो काफी उसके लिए अच्छी रहेगी, वो उसके लिए काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, एक कुंडली बनाइए वृश्चिक लग्न की, आप लोग वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाइए। बना लिया वृश्चिक लग्न की कुंडली, जी इसमें गुरु लग्न में जी, लिखिए, लग्न में लिखिए सूर्य और बुध, लग्न में लिखिए सूर्य और बुध, चौथे भाव में लिखिए राहु, 10वें भाव में लिखिए केतु, 5वें भाव में लिखिए वक्री बृहस्पति, वक्री है बृहस्पति, 9वें भाव में लिखिए चंद्रमा और 11वें भाव में लिखिए शनि शुक्र और मंगल, शनि शुक्र और मंगल ग्यारहवें जी 11वें भाव में। हो गया, अब इस ये D1 चार्ट था, अब इस कुंडली का आप D10 चार्ट भी लिख लीजिए, दशमांश कुंडली इसका बनाइए, दशमांश कुंडली मकर लग्न का बनाइए, दशमांश कुंडली मकर लग्न की बनाइए। सुधाकर शर्मा जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, बना लिया मकर लग्न की कुंडली बना ली जी जी। अब यहां पे लिखेंगे 2रे भाव में लिखिए बृहस्पति, वक्री है वो तो वक्री पहले ही थे, 3रे भाव में लिखेंगे बुध, 3रे भाव में लिखेंगे बुध जी गुरु जी, हो गया और 6ठे भाव में लिखेंगे राहु और मंगल, ऐसे 8वें भाव में लिखेंगे सूर्य, 11वें भाव में लिखेंगे चंद्रमा शुक्र और शनि, चंद्रमा शुक्र और शनि, जी, और 12वें भाव में केतु लिखेंगे। ठीक हो गया। है, पहले तो आप देखेंगे क्या ये कुंडली काम करने वाली है या नहीं है, ये ऐसा व्यक्ति कोई काम कर सकता है नहीं कर सकता। तो जब काम की बात आएगी तो सबसे पहले क्या देखना होगा,
सबसे पहले दशांतर दशा गुरु दशम भाव देखेंगे, दशम भाव। तो देखिए दशम भाव का जो लॉर्ड है वो कहाँ चले गए? लग्न में। लग्न में, और किसके साथ हो गए? बुध के साथ। बुध के साथ। बुध कहाँ के स्वामी है? आठवें और ग्यारहवें के स्वामी नहीं है जी एक। लेकिन मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर आ रही है? एकादश। एकादश, एकादश में आ रही। चलिए तो अच्छी बात है, लेकिन आठवें का संबंध तो रहेगा ना। लेकिन अब दसवें भाव में देखिए कौन है? केतु। अवरोध पैदा करे केतु। दसवें भाव में केतु है। अब केतु तो अब दसवें भाव पे क्या कोई शुभ संबंध है? दसवें भाव पे क्या कुंडली के शुभ भावों का कोई संबंध है? लग्न का, त्रिकोण का, केंद्र का? है कोई संबंध? नहीं दिख रहा है गुरुजी। कोई नहीं संबंध, कोई शुभ संबंध नहीं दिख रहा है। गुरुजी वक्री है, गुरु वक्री का राजा है गुरुजी। कैसे गुरु वक्री, कैसे भैया संबंध देंगे? कौन सी दृष्टि से देंगे संबंध? इन्होंने नहीं बनाई ऊपर आसर मुनि बन गए। कैसे पड़ जाएगी? चलिए दसम पे कैसे पड़ जाएगी सातवीं? तो नहीं पड़ी ना। नहीं नहीं मेरे। चलिए अब आइए जन्म कुंडली का लग्नेश देखिए, दशमांश कुंडली का लग्नेश देखिए, सॉरी दशमांश कुंडली का लग्नेश देखिए, है ना? देखा आपने पहले ये देखिए, दशम भाव में तो केतु और कोई शुभ संबंध नहीं है। और नहीं, नहीं गुरुजी। लग्न जन्म कुंडली का दशमेश लग्न में है, और किसी के द्वारा दृष्ट भी है क्या? बृहस्पति के द्वारा दृष्ट है जी। लेकिन लेकिन बृहस्पति की खुद स्थिति खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति वक्री हो गए। तो बताया था कोई भी वक्री ग्रह जो अपना अच्छा फल नहीं कर पाते ना, बताया था ना जी, मजबूत हो जी गुरु जी। और अगर अगर वो ग्रह मैलफिक हो गए, क्रूर ग्रह हो गए, शनि राहु, शनि केतु और बुरा, और शनि सूर्य मंगल, अगर सूर्य तो कभी वक्री होते नहीं, शनि और मंगल हो गए, तब तो और ज्यादा तांडव करते हैं व्यक्ति को। बहुत कभी ऊपर उठाएंगे, कभी नीचे उठाएंगे, कभी ऊपर उठाएंगे, कभी नीचे उठाएंगे। वक्री है ना, ऐसे झूला झूलाते रहते हैं, ऐसे झूला झूलता रहेगा आदमी उसी में, ऐसे झूला झूला झूलता रहेगा। वक्री ग्रह मतलब कोई रिजल्ट रिजल्ट नहीं देते। तो देखिए वक्री बृहस्पति लग्न को दृष्ट कर रहे हैं और दशमेश को भी दृष्ट कर रहे हैं, और इधर शनि की भी दृष्टि जा रही है, तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि वैसे भी व्यक्ति को क्या करवाती? स्ट्रगल करवाती। बताया है शनि की तीसरी दृष्टि क्या कराएगी? स्ट्रगल कराएगी, स्ट्रगल कराएगी, स्ट्रगल। लग्नेश भी तो गुरु जी शनि के साथ, और लग्नेश भी एक ग्यारहवें में चले गए, शनि के साथ आ गए, और शनि यहाँ पे तीसरे और चौथे घर के स्वामी है। तो यानी अब देखिए, अगर ये व्यक्ति किसी पुरुष की होती तो ऐसे व्यक्ति को काम करने में बहुत भयंकर समस्या होती, लेकिन ये कुंडली एक महिला की है, तो महिला तो शादी हो गई तो काम खत्म हो गया, यानी वो पूरी तरह से हाउसवाइफ बन जाएगी जी। हाउसवाइफ बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? दशमांश कुंडली में देखिए, दशमांश कुंडली में देखिए, दशमांश कुंडली में पहले देखिए, लगन से छठे और आठवें भाव पे क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। तो लगन 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 को छठे और आठवें भाव ने बताया था ना, लगन से दूसरे और बारहवें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो अच्छा होता है। इसी प्रकार से लगन से अगर छठे सातवें आठवें भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन छठे और आठवें घर बैठेंगे तो लगन भी तो प्रभावित हो जाएगी। तो लगन यहाँ पाप कर्तरी के में प्रभाव में आ गई, आ गई, समझ में आ गया। और वहां जो दसवें भाव में जो केतु बैठे थे वो देखिए कहाँ चले आए, क्योंकि दसवें भाव में बैठा प्लेनेट दशमांश कुंडली में कहाँ पे बैठ गया जाके? दस भाव में।
बारहवें में। और सबसे बड़ी बात देखिए, जन्म कुंडली का दशमेश, दशमांश कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है? अष्टम भाव में। अष्टम भाव में, अष्टम में अपनी राशि का सारी व्यथा हो गई। मतलब इस व्यक्ति ने जीवन भर कोई काम ही नहीं किया, कर मतलब ये एक हाउस वाइफ थी ना, तो जब जीवन भर काम ही नहीं किया तो स्टार्टिंग का पॉइंट ही नहीं आएगा, कभी आ भी नहीं सकता था, आ भी नहीं सकता था। आप देखिए, जिन जो आप अपने घर में ही कुंडली देखिए अपनी वाइफ की या अपनी अगर मम्मी पापा की, मम्मी की हो तो जिनकी जन्म कुंडली में काम करने के योग हैं, मतलब कैसे देखेंगे, दशमेश अच्छा हो, दशमेश पे शुभ प्रभाव हो, दशम भाव पे शुभ प्रभाव हो, दशमेश का दशमांश कुंडली में लगन देखिए, दशमांश कुंडली का दशमेश देखिए, दशम भाव देखिए, दशमेश का दशमांश पति देखिए, और दशम भाव में अगर जन्म कुंडली के दशम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी दशमांश कुंडली में स्थिति देखिए। अगर वो कहीं से भी कोई भी शुभ प्रभाव लेगी तो ऐसी हाउस वाइफ भी काम करती हैं। आपने सुना होगा कि वो एक हाउस वाइफ थी, लेकिन ना वो उसने कुछ ऐसा काम किया कि अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, या उसने घर से ही कोई एक नया अपना बिजनेस कर दिया। आपने सुना लिज्जत पापड़ हो गए, या ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, या ऐसा सुनने में लॉकडाउन के समय काफी आ रहा था कि लॉकडाउन के समय हस्बैंड की जॉब चली गई थी तो पत्नी ने ना अपने घर से छोले भटूरे बना बना के लोगों को देना चालू कर दिया और उसका अच्छा चलने लगा। तो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी में, यानी हाउ जो भी लेडीज है घर की, उनकी कुंडली में दशम भाव, दशमेश, दशमेश का दशमांश पति, दशमांश कुंडली का लगन और दशम भाव कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव में होंगे, बलवान होंगे, बलवान का शुभ प्रभाव में होना, तभी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य कर पाए। और दशा एक्टिव है, और दशा भी एक्टिव कर दी होगी। जब जब जन्म कुंडली में काम करने के योग हो तब तो दशा पे विचार किया जाए जी, तब तो दशा पे विचार किया जाए। आपने देखा ना इस कुंडली में, देखा कोई आपको कार्य करने के योग मिले हैं क्या? नहीं मिले। या आप देखिए कोई भी पुरुष की कुंडली में देखिए, अगर उसके योग इस प्रकार के हैं कि दशम भाव में खराब ग्रह बैठे हुए हों, दशमेश भी खराब हो गया हो, दशमांश कुंडली का लग्न भी खराब हो, दशमांश कुंडली का दशम भाव दशमेश भी गड़बड़ हो रहा हो, दशमेश का दशमांश पति भी गड़बड़ हो, तो आप देखेंगे वहां समस्या देखने को मिलेगी। वो व्यक्ति जल्दी कोई काम नहीं करना चाहेगा, बिना काम किए ही 40-45 साल उम्र निकल जाती, 50-50 साल। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, वो कहते हैं हम काम करते हैं हमसे होता ही नहीं, कैसे होगा जब कुंडली में योगी नहीं, कुंडली में योगी नहीं, 2,000-5,000-10,000 में जीवन बिता दिए। मतलब आज इस वक्त 2,000-5,000-10,000 तो कुछ भी नहीं है रकम, हो सकता है कि आज से 25-30 साल पहले 2,000-10,000-20,000 रकम अच्छी रकम मानी जाती थी जी। मतलब हमारे पिताजी बताते हैं, वो पीडब्ल्यूडी में थे, कि जब हमारा बर्थ हुआ तो बर्थ के समय, भैया के बर्थ के समय, हमारे बड़े भैया के बर्थ के समय 75 या 77 में उनकी सैलरी 200 या 300 रुपए थी और उससे पूरा परिवार चलता था, वो बहुत बढ़िया सैलरी मानी जाती। और आज आप जरा सा घर से बाहर निकल जाइए, ऐसे घूमने निकल जाइए दूध लेने के लिए, तो 200-300 रुपए तो आपके खत्म हो गए। सही, तो ये तुलना कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई ये कह दे कि हमारे पिता हमारे दादा तो 10,000 रुपए कमाते थे, तो 10,000 रुपए कमाते तो आप कह रहे 10,000 रुपए खराब। भैया पिता और दादा के देश काल पात्र की स्थिति लगाइए ना, उस वक्त का देश काल पात्र और आज का देश काल पात्र। आज तो 2,000-10,000 रुपए तो कुछ भी नहीं होता जी, तो ये बात यहां पर आती है, ये बात यहां पर आती है। तो आप देखेंगे कि अगर दशम भाव जन्म कुंडली का, दशमांश का लगन भाव, दशमांश का दशम भाव, दशमेश, ये खराब स्थिति में, खराब का मतलब समझ रहे हैं ना, जन्म कुंडली के खराब भावों से संपर्क बना है उनका,
कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। शुभ प्रभाव का मतलब केवल शुभ ग्रह ही नहीं, जन्म कुंडली के शुभ भावों के स्वामी, केंद्र और त्रिकोण भावों के स्वामी के साथ अगर संबंध बनता है तो व्यक्ति जरूर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो ये देखिए, आपको मैंने एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम क्या बताया, पहले कुंडली में काम करने की संभावना तो हो। अब एक दूसरी कुंडली आप नोट करेंगे, मीन लग्न की कुंडली, मीन लग्न की कुंडली बना ली जी गुरुजी। लग्न में लिखेंगे शुक्र और बृहस्पति, चौथे भाव में लिखेंगे राहु, दसवें भाव में लिखेंगे चंद्रमा और केतु, ग्यारहवें भाव में लिखेंगे मंगल सूर्य और बुध, मंगल सूर्य और बुध, और ग्यारहवें बारहवें भाव में लिखेंगे मंगल सूर्य बुध कहाँ है? मंगल सूर्य बुध ग्यारहवें भाव में है, मंगल सूर्य बुध बार वो क्या नाम है ग्यारहवें भाव में, और बारहवें भाव में शनि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, दशमांश कुंडली भी मीन लग्न की बनाइए। मीन लग्न की जी? हाँ, मीन लग्न की। बन गया, बन गया। इसमें लिखेंगे लगन, तीसरे भाव में लिखेंगे केतु, जी हो गया केतु, चौथे भाव में लिखेंगे सूर्य बृहस्पति और मंगल, जी हो गया, सातवें भाव में चंद्रमा, जी, नवे भाव में राहु और बुध, जी हो गया, ग्यारहवें भाव में शुक्र, जी, और बारहवें भाव में शनि, जी हो गया। अब पहले जन्म कुंडली देखिए, जन्म कुंडली से आपको समझ में आ रहा काम करने का योग नहीं आ रहा? पहले जन्म कुंडली से देखिए गुरुजी, जन्म कुंडली तो आ रहा है गुरुजी। कैसे आ रहा है गुरुजी? कैसे आ रहा है गुरुजी? पंचमेश दशम में बैठा गुरुजी, पंचमेश दशम में बैठा है, यानी केंद्र त्रिकोण का स्वामी का संबंध दशम भाव से बन जी, और जो दशमेश है वहां, यहाँ पे भी केतु है, यहाँ पे भी केतु है, लेकिन मैंने आपको बताया होगा कि केतु गुरु के घर में अच्छा होता और राहु जो है बुध के घर में अच्छा होता, मतलब बुध के राशि में अच्छा होता, बताया है ना ये बात जी गुरुजी? तो देखिए यहाँ पे जो केतु है वो गुरु के भाव में है, और इससे पहले वाली कुंडली में देखिए जो केतु थे वो किसके भाव में थे? सूर्य, सूर्य के भाव में थे। तो केतु अगर गुरु की राशि में होते हैं तो अच्छे होते हैं, और अगर राहु बुध की राशि में होते हैं तो अच्छे होते हैं। और दूसरी बात देखिए, केतु यहाँ बुरे नहीं, प्रभाव तो क्या रोकेंगे तो है ही है, लेकिन चूंकि वहां पर एक शुभ प्रभाव भी है, अशुभ प्रभाव चाहे जितना रहे लेकिन दशम भाव पे कुंडली के शुभ भावों का भी प्रभाव होना जरूरी है जी गुरु। ठीक है, केतु तो गुरु के समकक्ष है जी। हाँ, केतु तो गुरु के समकक्ष में है, कुंडली के जो तीसरे छठे दसवें ग्यारहवें के मालिक है वो भी अच्छे होते, उच्च भाव है ना, तीसरे छठे दसवें ग्यारहवें भाव को आप बुरा मत समझिए, अच्छे भाव होते, स्ट्रगल करने पर वो परिश्रम करने से फल देते हैं, परिश्रम से वो व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं, तीसरे उच्च भाव के स्वामी उच्च। देखिए तो इससे पहले वाली कुंडली में जो मैंने बनवाया, क्या दशम भाव पे किसी भी ग्रह की कोई युति थी क्या? नहीं थी दशम भाव पे, नहीं थी। और जो केतु थे वो सूर्य के घर में चले गए थे, और जो दशमेश थे वो मंगल के घर में चले गए जी। तो बताया कि कोई भी क्रूर ग्रह के राशि में चला जाए तो क्रूरता और बढ़ जाएगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखिए दशमेश कौन है?
गुरु गुरु जी गुरु और गुरु कहाँ चले गए लग्न में यहाँ पे भी लग्न में अपनी लेकिन अपनी राशि में चले गए जी गुरु अपनी राशि में चले गए ये तो अच्छा हो गया बहुत बढ़िया योग बना हुआ गुरु जी शुक्र भी गुरु जी अपने इसमें बैठे हैं अब देखिए उच्च राशि में हाँ शुक्र उच्च की राशि में और शुक्र यहाँ कौन है अष्टमेश भी है और एकादश तृतीयेश भी है तृतीयेश भी और तृतीयेश उपचय भाव के स्वामी जी मूल त्रिकोण राशि कहाँ आ रही थर्ड हाउस में कि एट हाउस में तुला राशि होती कि वृषभ राशि तुला राशि वृषभ राशि होती वृषभ राशि होती है ना तुला होती है तुला तुला हमको याद नहीं आ रहा देखना पड़ेगा देख लीजिए ठीक है ये तो बहुत बढ़िया योग बना हुआ गुरु जी इनका बढ़िया योग है अब आइए जरा दशमांश कुंडली में देखिए दशमांश कुंडली में सबसे पहले दशम भाव देखिए दशम भाव पर दशम भाव के स्वामी की दृष्टि आ रही है जी बिल्कुल गुरु जी सामने सप्तमी ठीक है और मंगल कहाँ के स्वामी है नवम भाव के देखिए द्वितीयेश भी है द्वितीयेश तो धनेश हो गए ना हाँ बिल्कुल तो धनेश और भाग्येश की दृष्टि पड़ रही है जी मंगल की और अपने घर को देख रहे हैं सूर्य सूर्य छठे भाव के स्वामी है वो खराब कर रहे हैं लेकिन छठा भाव भी तो उपचय भाव है बिल्कुल उपचय भाव है तो यहाँ तो दशम भाव तो बहुत अच्छा है अब देखिए दशमे क्या नाम है दशमेश दशम भाव को देख रहे हैं और लग्नेश भी चौथे भाव में बैठे हैं दशमांश कुंडली के जी जी बिल्कुल बैठे हुए तो अब इससे अच्छी स्थिति और क्या आप लेंगे यानी कि दशमांश कुंडली अच्छी हो गई तो ऐसा व्यक्ति कर्म करेगा तो बात आती कर्म जो करेगा तो ये कब कर्म करेगा जी ये कर्म बताइए आपको इस दशा के अनुसार मतलब आपको अभी दशा नहीं बता रहे आप अपना दिमाग लगा के बताइए इसको कब अपना कर्म करना स्टार्ट करना चाहिए गुरु की दशा में जी गुरु की दशा में गुरु की दशा में गुरु की दशा में गुरु जी या मंगल की दशा में और राहु की चंद्रमा राहु की दशा में चंद्रमा की बताइए अब यहां भी देखिए इसने जो अपना प्रारंभ किया वो राहु की दशा में प्रारंभ किया मंगल बृहस्पति क्यों लेगा आपको जन्म कुंडली के अनुसार पहले देखना है ना जी 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 गुरु जी तो राहु की दशा में इन्होंने अपना प्रारंभ किया दिख रहा है एकदम साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल गुरु जी राहु की दशा में इन्होंने प्रारंभ किया राहु की दशा एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है क्यों क्योंकि राहु की दृष्टि है दशम भाव पर जी। और राहु अच्छे होकर के बैठे हुए क्यों अच्छे होकर होके बैठे हुए बुध की राशि की राशि में अब देखिए बुध भी कहाँ है बुध भी मतलब अपने मित्र की राशि में बैठे हुए जी गुरु जी मतलब शनि की राशि में बैठे हैं ना अपने मित्र की राशि में बैठे हुए बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी तो यानी यहाँ पे राहु की दशा में स्टार्ट होना चाहिए था अब बाकी जो है इंदु लग्न की कुंडली बनाइए इंदु लग्न कुंडली जरा जल्दी से बनाइए इंदु लग्न की कुंडली बनाइए जल्दी से यहाँ पे जन्म कुंडली से नौमेश कौन हुए मंगल 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 कितना नंबर हो गया छह नंबर अब चंद्रमा से नौमेश देखिए कौन हो गए चंद्रमा से सूर्य को कितना नंबर मिला 30 36 हो गया 36 हो गया तो 36 तो 12 के मल्टीपल में 0 आ गया 36 12 जी 0 आ गया तो चंद्रमा से 12वां भाव क्या हो गया 11 मंगल गुरु जी मंगल यानी वृश्चिक लग्न हो गई इसकी क्या वृश्चिक लग्न हो गई अब इंदु के अनुसार इंदु लग्न के अनुसार जो राहु है वो कहाँ पर आ गए बताइए जल्दी किस भाव में आ गए 1 2 3 अष्टम अष्टम आ गए कोई बात नहीं अष्टम में खराब थोड़ा अष्टम में अष्टम क्या है 10वें भाव से 11वां भाव है अष्टम भाव क्या है 11वां भाव है ना जी तो यहाँ वृश्चिक लग्न में क्योंकि और जो राहु होता है राहु राहु 11वां अष्टम भाव जो होता है
वो कैसा काम करने को हमने बताया था अष्टम भाव में, फ्रीलांसिंग का, गुप्त कार्य, गुप्त कार्य फ्री, जिसमें अपना पैसा ना लगाना हो जी। आज एक फोन आया, मतलब वो कह रहे थे कि हमें आपसे सीखना। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा भाई क्या करते हैं आप? तो कहते हैं कि हमारा तो बिजनेस था जी, बनारस के थे वो, तो हमारा तो सब बर्बाद हो गया। साउथ कोरिया की कंपनी थी, उसके मैंने फ्रेंचाइजी ली थी, और वो तो हमारा लॉकडाउन में बर्बाद हो गया। हमने कहा अच्छा, तो कहते हैं कि अब थोड़ा सा टाइम है, तो सोच रहे हैं ज्योतिष सीख ले, हमारा बड़ा मन है। हमने अच्छा, तो हमने बस ऐसे पता नहीं क्या दिमाग में आया, हमने कहा जिसकी दशा जा रही है क्या वो प्लेनेट आपके आठवें भाव में बैठे हैं? कहते हाँ। हमने कहा इसीलिए बर्बाद हुए ना, बताइए क्यों बर्बाद हुआ वो व्यक्ति? आपको पता, अष्टम भाव में बैठे थे इसलिए। नहीं, अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह कभी बर्बाद नहीं करेंगे आपको, लेकिन अगर अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा अंतर दशा में आपने अपनी पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय किया, हाँ, तो आप पक्का बर्बाद होंगे, गारंटी लिख लीजिए। बताया था गुरुजी आपने, बताया कि इसीलिए जब अष्टम भाव की दशा या अष्टम भाव जन्म कुंडली में आपका स्ट्रांग हो और उसका संबंध अगर कहां चला जाए, उसका संबंध दसवें भाव से बन रहा हो, तो कभी भी कोशिश मत करिएगा कोई भी पैसा लगा करके व्यापार करने की। फ्रीलांसिंग के काम करिए, फ्रीलांसिंग जिसमें आपकी बुद्धि पैसा ना लगाना पड़े, पैसा ना लगाना पड़े। जी जी जी, वरना बर्बाद हो जाएंगे। देखिए उन्होंने क्या किया, हम और अगर वही फ्रीलांसिंग का काम करते वो, तो बर्बाद होते क्या? नहीं बर्बाद होते। आठवें भाव कहता हम, तो आठवां भाव दसवें भाव से ग्यारहवां भाव है, दसवें भाव का लाभ भाव है, लेकिन उसकी अपनी शर्त है। कहता तुम पैसा लगाओगे तो हम तुमको बता देंगे, पैसा नहीं लगाना है भाई। हर भाव, हर कुंडली का भाव आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन आदमी अपनी कुंडली की ना सुन करके दूसरों को देख देख के व्यवसाय करता है। वही जो नहीं एक मतलब कि वो श्लोक है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, वो भी बढ़िया है। कस्तूरी मृग कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत जग माही, ऐसे दुनिया देखत नहीं। यानी व्यक्ति का अपना कर्म उसकी कुंडली बता रही है, और वो व्यक्ति अपनी कुंडली ना देख करके दूसरे दुनिया को देख रहा है कि अच्छा तुम कौन सा काम कर रहे हो, तुम कौन सा काम कर रहे हो। समझ में आई बात नहीं आ गई? यानी हमें काम करना है तो हमें क्या देखना होगा, अपनी कुंडली की दूसरे कुंडली, अपनी कुंडली, अपनी कुंडली देख करके काम करना। हो सकता है कि दूसरे की कुंडली तो वही काम करने से प्रॉफिट हो, हमको वही काम करने में नुकसान हो। बट आप ये समाज किसी को आप बताओगे तो कहेगा कि यार आप अजीब पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसी बात करते हो। एक ने हमसे कहा कि आप पढ़े लिखे आदमी ऐसी बात करते हो। हमने कहा हम पढ़े लिखे हैं तभी तो ऐसी बात करते हैं। गंवार थोड़ी ना तुम्हारी तरह, तुमने कितनी, हमें तो बहुत सारी किताबें पढ़ डाली। हाँ चलो हम तुम्हें दिखाएं अपनी लाइब्रेरी, किताबें किताबें मिलेंगी। खाने घर में हो सकता है कि दाल चावल उतना ना मिले जितनी किताबें मिलेंगी, हो सकता उतने जेवरात और ज्वेलरी ना मिले जितनी किताबें मिलेंगी, हो सकता गद्दे के नीचे सो तो भी किताबें रखी हो। तो वो उसको यही बात मैंने बोले, हमको पढ़े लिखे हैं तभी तो ये बात करते हैं, तुम्हारी तरह गंवार थोड़ी ना कि चार किताब तुमने पढ़ ली। तो ये तो आपको ये बात कोई बोले कही तो भाई आप पढ़, हम पढ़े हैं तभी तो बात करें, हम जानते ही नहीं तो कैसी बात करते हैं। तुम जानते हो इस बारे में? नहीं जानते हो तभी तो तुमको ये बात नहीं समझ में आ रही है। इसीलिए हाँ भाई सही, कोई ऐसी बात करे तो भाई पढ़े लिखे हैं तभी तो बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो हम सारी बातों को समझ रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम समझेंगे कैसे? और ऑब्वियस तुम हमारी बात इसीलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि तुमने कभी ये सब पढ़ा ही नहीं। क्या फादर के पैसे से कोई काम शुरू करके, पता नहीं क्या लिख रहे हैं भाई रश्मि शर्मा, ये लिखे हैं गुरुजी फादर के काम से शुरू करें, फादर के पैसे से काम शुरू करें तो भी नुकसान होगा क्या? हाँ ये अष्टमी का उदाहरण है गुरुजी, चाहे जिससे लिया, अपने फादर से लिया हो, मदर से लिया हो, भाई से लिया हो, दोस्त से लिया हो, जिससे लिया हो, पत्नी से लिया हो, पैसा लगाना नहीं है। अपने हाथ से लिया और ले जाकर के ले, पहले तो बताओ पैसा आपका कैसे हो सकता है? पैसा तो किसी का नहीं, आप पढ़ते हो लक्ष्मी चंचल है, तो पैसा मतलब आप अपने घर में, मतलब जब पैसा आपका इसका मतलब क्या आपने घर में मशीन छापने की रखे हो क्या?
पैसा किसका हो सकता, पैसा सरकार का नहीं है, पैसे का काम है घूमना, बात पैसा किसका ये बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आप पूंजी लगा रहे हो ना। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, समझिए कोई कस्टमर्स की ही दशा है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि मैं फला फला अमाउंट कर रहा हूँ, आप 10% लीजिए और वो काम को जो है डेवलप करिए, तो उस स्थिति में सबसे बढ़िया यही तो फ्रीलांसिंग काम है, और अस्टमेज तो इन्वेस्टमेंट करवाती है जी, ऐसे है इन्वेस्टर भाई। जो अष्टम भाव में एक भी है, अष्टम भाव की दशा चले तो व्यक्ति ने दूसरों से इन्वेस्टमेंट करवा के काम करे, ये सब मेरी बात बताती हूँ, खुद ना इन्वेस्टमेंट। धोखा योग हो तो गुरु जी, अरे धोखा योग है तो धोखा भी खाएगा, धोखा योग जरूर खाएगा, इसमें क्या बात है, इसीलिए भाई बच के चले, धोखा योग है तो बच के चले। तो ज्योतिष आपको बहुत सारी बातों की इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन ये क्या है कि ये ट्रेंड लोग अच्छा, और इन सबकी तो हम पूरा क्रेडिट किसको देते हैं, ज्योतिष को ना फैलने का क्रेडिट दो लोगों को देते हैं, एक तो अरे राजा महाराजा जो हुए पहले के समय, उन्होंने इनको दबा दिया क्योंकि हर आदमी को ये पता लग जाएगा तो हर आदमी सक्सेस हो जाएगा, तो सरकार किस बात की भाई, राज किस पे करते हैं, प्रजा पे, प्रजा पे, और कौन सी प्रजा पे आप राज कर सकते हैं, जिसके पास जो भूखा नंगा हो, ज्ञान ना हो, ज्ञान तो खैर एक अलग बात हो गई, कम से कम उसके पास ना खाने को खाना हो, ना पहनने को कपड़ा हो, और ना रहने के लिए घर, आप उनके ऊपर ज्यादा शासन कर सकते हैं उनके पास, तो अगर आप पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति को भाई, एक अगर मान लीजिए कि आप ही के साथ में कई लोग काम करते हो, चार पांच इक्वल लोग हैं, तो क्या एक व्यक्ति क्या उन चारों के ऊपर राज कर सकता, नहीं, राज करने के लिए क्या होगा, एक आदमी को ज्यादा रिच होना चाहिए और बाकी सबको जो एकदम गरीब होना चाहिए, तभी वो रिच वाला आदमी ज्यादा राज करेगा जी। तो एक तो पहली गलती उनकी थी, सबसे बड़ी गलती जिसका भुगतान अभी तक हो रहा है, और दूसरी कि कहीं कहीं से कुछ कुछ लोगों को मिला तो इसको पढ़ पढ़ के अपना काम चालू किया, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान को दिया ही नहीं आगे, उन्होंने उस ज्ञान को छुपा लिया, ज्ञान देना नहीं चाहिए, उसके बाद कुछ रहना चाहिए, इसके चक्कर में धीरे धीरे सब लोग रख लिए। हाँ, हमें इसी बात पे तो हमें हनुमान जी के ऊपर भी गुस्सा आती थी, लेकिन गुरु जी ये तो हर फील्ड में है, प्राइवेसी रखते हैं लोग, चाहे रहते नहीं तो आप वो चीज बढ़ी नहीं, इतनी इससे ज्योतिष से बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है कि प्राइवेसी रखिए, वैसे तो आठवां भाव का है प्राइवेसी रखी है, लेकिन ठीक है फिर भी, लेकिन कम से कम जो लोग सीख रहे हैं उनको तो सिखाइए जी जी, हनुमान जी के पास लोगों को दे सकते हैं, हनुमान जी को क्या सीता जी का वरदान था, नवनिध क्या था, क्या बोलते हैं, अष्टसिद्धि नवनिधि के, उनको सारी आठ प्रकार की सिद्धियां थी और नवनिधि जानते थे, उन्होंने किसी को सिखाया ही नहीं कैसे उड़ा जाता है, कैसे अंगद को सिखाया गुरु जी उन्होंने, इसको सिखाया अंगद को, अंगद को सिखाया गुरु जी, और अंगद आगे सिखाए नहीं, अंगद को तो क्लास लेनी चाहिए थी, चलानी चाहिए थी, कम से कम आज सब लोग तो कम से कम बल बुद्धि विद्यावान होते हनुमान जी की तरह जी गुरु, मतलब हम उनके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी छुपा लिया, उन्होंने भी छुपा लिया, अंगद को मान लीजिए उन्होंने अपना शिष्य अंगद को बनाया, तो अंगद की भी गलती है भाई, काहे नहीं उसने उन्होंने सिखाया सबको, भाई किसी भी चीज को आगे बढ़ने का श्रेय तब होता है जब लोग उसके बारे में जाने, इसी प्रकार ज्योतिष है और वास्तुशास्त्र है या लाल किताब है, बाकी सारी विद्याएं इसी प्रकार की, लोग को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, बस मेहनत करते, कहते क्या मेहनत करने से पैसा आता, मैं एग्री करता हूं मेहनत करने से पैसा आता, लेकिन मेहनत किस दिशा में की जाए ये कौन बताएगा, ये तो ज्योतिष ही बता सकती है, वही ये बात तो गुरु जी सही है कि हमारे पूर्वजों ने गुरु जी ज्ञान को ना आपने साथ ही लेके गुरु जी ज्यादातर, आज भी बहुत सारे ज्योतिषी हैं, बहुत विद्वान है, मतलब उनकी मतलब चरण धो के वंदना करनी चाहिए ऐसे लोगों की, विद्वान आदमी की पूजा हमेशा हर जगह होनी चाहिए, उनके लिए वंदना है, दिल में बहुत सम्मान है उनके लिए, लेकिन ना एक ही बात की गुस्सा है कि अपने ज्ञान को आगे बढ़ाओ, अगर आप गुरु जी ने फैलाते नहीं अपने ज्ञान को, तो आपकी आने वाली जनरेशन दूसरे की विद्या को लेकर के आगे बढ़ेगी, कल को ऐसा भी कहा जा सकता है कि ज्योतिष जो है चाइना से पैदा हुई,
क्योंकि वो जानते नहीं, कुछ भी कह दो। वो चाइना वाले कहेंगे हमारे यहां से तो ज्योतिष पर पराशर तो हमारे यहां पैदा हुए थे। गुरुजी ये बात बिल्कुल सही है गुरुजी, योगानंद जी जो थे गुरुजी ऐसा उदाहरण है, वो हिंदू होने के बावजूद वो ध्यान करना सिखाते थे गुरुजी। अमेरिका चले गए, लोगों ने उनको कृष्ण बना दिया, कृष्ण बन गए, और उन्होंने कृष्ण बनाने के बाद ये कहानी होगी गुरु जी को बोलते कि ये जो ध्यान मेडिटेशन हमने सिखाया है, हमने सिखाया है, और आजकल उन्होंने अंग्रेजों ने अपने नाम के वो करा दिया कि भाई पेटेंट करा लिया उन्होंने। हाँ उन्होंने पेटेंट करा दिया गुरु जी, पेटेंट करा लिया उन्होंने, जबकि सब हमारे यहाँ की सारी देन है। अब भाई जब आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, आप चीजों को नहीं बताएंगे, आप कहेंगे कि नहीं सब तो नहीं कुछ होता, आप ही नहीं जानते हैं। और कहते क्या, खुद पढ़े नहीं है, दूसरे को कहते हैं कि आप ऐसी अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं। अरे भैया हम पढ़े हैं तभी तो ऐसी बात कर रहे हैं, तुम पढ़े नहीं तुमको क्या पता, पढ़ो तो पता चले। तुम्हें पता है कि फैराडे लॉ क्या होता, हमको पता, हम पढ़े, हम बताते हैं फैराडे के दो लॉ है। अजीब अजीब बात करते हो यार भाई। अब हम जाके बोले किसी से फेराडोला सुना, वो कहेंगे ये क्या होता, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है, हमने पढ़ा हम बताएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये चीज हो जाती, तो इन लोग से बड़ा बचना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वही जो मैं आपको मैंने गलत बोला जी, दिवाकर शर्मा जी अपना माइक बंद कर लीजिए। तो कहने का मतलब जब भी आठवें भाव से कोई दशा चले तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, अपना पैसा नहीं लगाएंगे, अपना नहीं, अब पता चले पैसा नहीं लगाना आपको, अपना, अपने पापा का, अपने मम्मी का, अपने चाची का, अपने नानी का, मतलब जितना भी है, पैसा आपको अपने हाथ में लगाने नहीं, कोई एक्सटर्नल व्यक्ति, एक्सटर्नल बाहर आपसे खानदान से मतलब ना, फ्रीलांसिंग का काम करिए तो आप हमेशा चलेंगे आगे। और ध्यान रखिएगा आठवां भाव व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाता। अच्छा ये कहा जाता है, बीपी गोयल साहब की बुक में भी उन्होंने बताया हुआ है कि आठवां भाव की दशा चले तो व्यक्ति राजनीति में बहुत अच्छा करता है। क्यों, राजनीति भी तो एक प्रकार का फ्रीलांसिंग का काम है जी, पॉलिटिकल पार्टी ही है जिसका इन्वेस्टमेंट है। केवल बातों को घुमाना इस तरफ से उस तरफ गुरु जी, बस यही हो गया। गुप्त कार्य करना वो भी एक तरह से आता, गुप्त कार्य कहते मुझे करते कुछ है। अपने जितने भी राजनेता वो अपना पैसा नहीं लगाते, वो सबसे चंदा लेवाते हैं कि तुम ये पार्टी को फंड करो, ये फंड करो, अपना नहीं लगाएगा कोई जी। और जिसमें अगर आठवें की दशा चल रही है और किसी राजनेता कोई भी चुनाव लड़ रहा, अगर अपना पैसा लगा दिया, हारना तय है, कन्फर्म गारंटी, ये आठवां भाव आपको कह रहा है। अब आप इसकी बात सुन नहीं रहे हो, आप जाके जो है पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो कि खुशबू कहां से आ रही, खुशबू कहां से आ रही, खुशबू कहां से आ रही, अपने अंदर देख रहे हो कि आपकी कुंडली क्या बता रही, तो फिर ऐसा व्यक्ति परेशान होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि ये जब आपने हिंदू लग्न बनाई तो राहु आठवें हो गए, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, फ्रीलांसिंग का काम किया और इसका अच्छा स्टार्ट हुआ, क्योंकि आठवां भाव दसवें भाव से ग्यारहवां भाव है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब दशमांश कुंडली में देखिए जरा, वो राहु कहां पर बैठे हुए हैं दशमांश कुंडली में, उसके दशम भाव अष्टम में गुरु, नवम भाव में भाई, गुरु जी नवम भाव में, नवम भाव में जी। और जो है शनि की उनके ऊपर दृष्टि है, और शनि किस हाउस के लॉर्ड है, ग्यारहवें भाव के, तो ग्यारहवें भाव का संबंध राहु से बना कि नहीं बना, ग्यारहवें बारहवें दोनों है। लेकिन शनि अपने, हमने एक बात और बताई थी ना, कोई भी ग्रह अगर अच्छी स्थिति में होता है तो उसके अच्छे वाले ग्रह भाव को पकड़ना है, सब बातें बताई है मैंने जी। अगर खराब स्थिति में होता है तो खराब भावों को पकड़ना है। तो आप देखिए दशमांश कुंडली में भी जो ग्यारहवें भाव का स्वामी है वो राहु को दृष्ट कर रहा है। राहु किस राशि में बैठे हुए, मंगल की राशि में जी। और मंगल खुद कहाँ के स्वामी हो गए, नवे भाव के स्वामी हो गए और दूसरे भाव के स्वामी हो गए। दशमांश कुंडली में लीजिए, दूसरा भाव भी पकड़ में आ गया, चतुर्थ में बैठ गए, तो बैठ गए, लेकिन दूसरा भाव भी तो पकड़ में ही, तो बात बताई ना, स्टार्टिंग का समय दूसरे और ग्यारहवें भाव से संबंध हो, दसवें से उसका संबंध बन रहा हो, दशमांश कुंडली के दूसरे ग्यारहवें भाव से संबंध बन रहा हो, इसलिए इस व्यक्ति ने
राहु की दशा में कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। तीसरी कुंडली लिखिए, मिथुन लग्न की बनाइए। इसमें जरा दशमेश का नौ वो देखिए, दशमांश पति पहले वाली कुंडली में, दशमेश कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति कहां पर बैठे हुए हैं? बृहस्पति यहां पर बैठे हुए हैं, कहां पर? बुध के घर में। बुध के घर में। और बुध कहां पर है? बोलो, ग्यारहवें घर में चले गए, दशमेश का दशमांश पति जी। बहुत बढ़िया हो गया। और यहां पे भी जो दशम भाव में जो दशमेश है बृहस्पति, वो बृहस्पति देखिए अपनी राशि में चले गए जन्म कुंडली में जी। गुरु जी कुंडली तो अच्छी हो गई कर्म को लेकर के। चलिए एक मिथुन लग्न की कुंडली बनाइए। बना लिया जी। दूसरे भाव में लिखिए शनि और सूर्य। हो गया। तीसरे भाव में लिखेंगे बुध शुक्र जी। पांचवें भाव में लिखेंगे चंद्रमा। छठे भाव में लिखेंगे राहु। ग्यारहवें भाव में लिखेंगे बृहस्पति। हो गया। और बारहवें भाव में लिखेंगे मंगल और केतु जी। चलिए बताइए, पहले तो जन्म कुंडली को देखिए, दशम भाव अच्छा है कि बुरा? दशमेश कहाँ पर है? लो ग्यारहवें घर में दशमेश, बहुत अच्छा। दशमेश ग्यारहवें घर में आ गए, बहुत बढ़िया। और दशम भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि भी आ रही है क्या? दशम भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है? नहीं, दृष्टि तो किसी की नहीं है। नहीं गुरु जी, दृष्टि नहीं किसी की। दृष्टि किसी की नहीं, दशमेश पे किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है? दशमेश पर आ रही है, चंद्रमा की। चंद्रमा की भी आ रही है। चंद्रमा कहाँ के स्वामी है? चंद्रमा दूसरे भाव, दूसरे भाव के स्वामी। गुरुजी बहुत बढ़िया है, धन भाव के। और क्या, दूसरे भाव की दृष्टि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा होगा गुरु जी। अच्छा, और बृहस्पति पे शनि की दृष्टि भी आ रही है, देखिये। दसवीं दृष्टि नहीं आ रही, शनि भाग्येश भी है। लीजिए, शनि भाग्येश हो गए, नहीं है जी गुरु जी? जी गुरु जी। तो बहुत अच्छा हो गया। अब जन्म कुंडली का, जन्म कुंडली में जो लग्न भाव है उसका स्वामी कौन है? बुध जी। बुध तीसरे घर में उपचय भाव में चले गए। उपचय भाव में कोई ग्रह गया तो स्ट्रगल करा के पैसा देगा, तो लग्नेश भी बहुत बुरे तो नहीं है। और बुध पर, बुध किसके साथ बैठे? शुक्र के साथ। शुक्र कहां के स्वामी? शुक्र पांचवें भाव के और बारहवें के स्वामी, तो पांचवें भाव के स्वामी हो गए। लीजिए, ये भी बहुत अच्छी बात है गुरु जी। त्रिकोण नारायण योग बन गया गुरु जी, इसमें तीस तीस लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। एकदम सही बना, बहुत अच्छी कुंडली हो गई जी। चलिए अब आइए जरा दशमांश कुंडली बनाइए धनु लग्न की। गुरु जी हो गया। हो गया। दूसरे भाव में शुक्र लिखिए। हो गया। तीसरे भाव में मंगल और केतु। जी हो गया। चौथे भाव में लिखिए शनि। पांचवें भाव में बृहस्पति। जी हो गया। सातवें भाव में चंद्रमा। हो गया जी। हो गया। नवे भाव में राहु। हो गया गुरु जी। बारहवें भाव में सूर्य और बुध। हो गया गुरु जी। हो गया। अब जरा दशमांश कुंडली देखिए, दशमांश का लग्नेश कहाँ है? गुरु। पांचवें भाव में, पांचवें भाव में आ गए, बहुत बढ़िया है। दशमेश कौन है? बुध। बुध कहाँ है? बारहवें भाव में। बारहवें चला गया गुरु जी, सूर्य के साथ में। ठीक है। सूर्य कहाँ के स्वामी है? नवे भाव के। ये देखिए जी,
नौमेश और दशमेश का राजयोग बन गया केंद्र त्रिकोण का, बारहवें भाव जी 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 गुरु जी बन गया जी गुरु जी जी। अच्छा, और दशम भाव पे मंगल की दृष्टि जा रही है। हाँ गुरु जी, आठवीं आठवीं दृष्टि जा रही है, और मंगल जो है वो पांचवें भाव के और बारहवें भाव के स्वामी भी हैं। जी बिल्कुल गुरु जी। तो इस व्यक्ति ने ना, इस व्यक्ति ने पहले देखिए, शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, शनि और चंद्रमा, शनि की महादशा थी और चंद्रमा की अंतरदशा थी, इसमें इसने अपना पहली सैलरी इसको मिली थी, कार्य प्रारंभ किया था। देखिए पहले जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध दूसरे ग्यारहवें या दशम भाव से बन रहा है। चंद्रमा कहां पर है? पंचम भाव में बैठे हैं और दूसरे भाव के स्वामी है। देखिए जी, और देखिए जो जन्म कुंडली के दशमेश बृहस्पति हैं, चंद्रमा पे दृष्टि, जन्म कुंडली में जो बृहस्पति हैं दशमेश, उनकी चंद्रमा पे दृष्टि नहीं है सातवीं है गुरु जी। जी जी बिल्कुल गुरु जी, पंचम से सीधा सप्तम दृष्टि। तो चंद्रमा, अब देखिए जरा दशमांश कुंडली में देखिए कैसा योग बन रहा है। दशमांश कुंडली में चंद्रमा कहां पर है? सप्तम भाव में है जी, सप्तम भाव में है, आठवें भाव के स्वामी है, कोई बात नहीं, आठवें भाव के स्वामी अच्छी बात है, लाभ भाव के स्वामी है, मतलब दशम भाव कर्म की बात, दशम से कर्म का लाभ, दशम से ग्यारह भाव गुरु जी। और चंद्रमा पे किसी की दृष्टि आ रही है क्या? चंद्रमा पर नहीं गुरु जी, नहीं किसी की नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तब भी ठीक है क्योंकि हमें यहाँ से मिल गया ना संबंध, कहाँ से? जन्म कुंडली से। तो जन्म कुंडली से दूसरे ग्यारहवें दसवें संबंध हो जाए या दशमांश कुंडली में संबंध हो जाए, दशमांश कुंडली में चंद्रमा केंद्र में बैठे हुए हैं, अच्छी बात है ये। अब जरा यहाँ देखिए, इंदु लग्न बनाइए जल्दी से, इंदु लग्न बनाइए। लग्नेश कौन हो गए? लग्न से नौम शनि हो गए, शनि को एक नंबर मिला जी। और यहाँ बनाइए जरा, चंद्रमा से नौमेश कौन है? बारह ग्यारह दस नौ बुध हो गए, कितना नंबर? आठ, आठ एक नौ हो गए जी। तो आप चंद्रमा से नवा भाव गिनिए कौन सा आएगा, बारह लग्न ही आ जाएगा जी, लग्न आ जाएगा ना। तो लग्न, लग्न से जो ये चंद्रमा का संबंध है ये दूसरे और ग्यारहवें भाव से है या नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की अंतरदशा में उसने कार्य प्रारंभ किया था। है गुरु जी, इंदु लगन से चंद्रमा है गुरु जी, सीधा संबंध है गुरु जी, है या नहीं है? है गुरु जी, है गुरु जी, सीधा संबंध है, दूसरे से भी और दसवें से भी संबंध है। दसवें से कैसे है बताइए? है गुरु जी, सीधा बृहस्पति की दृष्टि गुरु जी, और दशमेश बृहस्पति की दृष्टि है चंद्रमा पर, तो इंदु लग्न से भी ये संबंध प्रूफ हो गया जी। तो इस व्यक्ति ने चंद्रमा की अंतरदशा में कार्य प्रारंभ किया। अब इसने जो कार्य प्रारंभ किया, उसने जो उसको पहला वेतन मिला, इसने क्या किया था, एक विदेशी कंपनी से कार्य आरंभ किया। विदेशी कंपनी का आपको कोई यहाँ पे मिला? विदेश कौन हुआ, बारहवा भाव या नवा? गुरु जी वो आठ में हो रखा है ना गुरु जी, D10 में सूर्य और बुध बारहवें बैठे हैं गुरु जी। यस, मिल गया ना संबंध, D10 में जो दशमेश है, एग्जैक्ट जो कर्म आपको बताएगा वो दशमांश कुंडली का दशम भाव, वो आप देखो कैसे बारहवें भाव में चला गया है जी, नहीं चला गया जी। और देखिए शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा, और देखिए दशमांश कुंडली में जो शनि है वो दशम भाव को देख रहे हैं जी, दशम भाव को देख रहे हैं। तो एकदम आप अगर निकालना चाहें तो हर बात निकल के सामने आपके आ जाए, सप्तम दृष्टि। हाँ जी, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे व्यक्ति अपनी प्रारंभ, अपनी जो कमाई आरंभ करता है वो कब करता है।